ਇਹਦੇ ਬੁੱਤ ਖਲੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗ ਆਮੀ ਵਕਤ ਦਫਨ ਦੇ ਤੇ ਆਮਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖਨੀ ਬਾੜ ਲਾ ਬਲ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਕਫਨ ਦੇ ਤੁਖਤਨ ਸਨ ਆਲਮ ਬਰਜ਼ਖ ਦੇ ਬੈ ਇਬਜ਼ਲ ਵਕਤ ਅਮਨ ਦੇ ਬੈ ਆਪ ਸਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਰੂਹਾਂ ਦੇ उम्र गुजारा बिच कदमा दे एक बारी के आखे हां तू यार फरीदा अस दूर नहीं बसना तेरे सुर्ग दी छलड़ी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अदरा ने दी छल ये एक ऐसी तार है अगर छिड़ जाए ना तो फिर बात करना बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सिहाबी हाजिर हुआ और रंग बूढ़ा हुआ है। आते हुए मैं देखता आ रहा था किताब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिहाबी रंग बूढ़ा हुआ है, आंखों से आंसू है, परेशानी है। मेरे पाक नबी के दरबार के पर बैठा है। तति जोगण चौथार तेरा जिंद सिंध पंजाब दे पहाड़ तेरा सुन बरते शहर बाजार तेरा मत यार मिलन के सामने सबा। अब मेरे पाक नबी ने पूछा यार क्या हुआ तुझे, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई घर के अंदर भूख है? वो कहने का यार सुनता कोई दुख नहीं, कोई कम नहीं, कोई मसला नहीं। यार सुनल्लाह रब ने रिस्क भी वसी दिया है, यार सुनल्लाह रब ने सेहत भी अच्छी दी है, यार सुनल्लाह जवानी भी रब ने खड़ियल दी है, यार सुनल्लाह कोई दुख नहीं। फिर किस बात पर रोते हो, किस बात ने सताया है? यार सुनल्लाह यहाँ आपको ना देखो गुजारा नहीं होता, यहाँ आपको ना देखो गुजारा नहीं होता। आका मैं इस बात पर परेशान हूँ जब जन्नत में जाने के आपका मर्तबा ऊंचा होगा, आप बुलंद मर्तबे पर होंगे। आका हम पिछले तबके में होंगे, आप बुलंद मर्तबे पर होंगे। आका अगर आपको ना देखा हमारा गुजारा कैसे होगा, गुजारा कैसे हो? मेरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अंत मा मन अहबबतहु, रोता किस लिए है? वो जिससे मोहब्बत करता है उसी मोहम्मद अरबी के साथ। सुभान अल्लाह लगियां दी लजली भावनी सरकार जान दे, लगियां दी लजली भावनी सरकार जान दे, बन्ने दे बेड़े ना होनी सरकार जान दे। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार जी मैं तो और सोच के आया था लेकिन क्या करूं, इन्होंने बात ये ऐसी कर दी। हजरात जी वकार मेरे पाक नबी का इश्क, मेरे पाक नबी का इश्क हजरत जैद बिन नफल रजी अल्लाह तआला अनहु मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियादी है। आप मक्के के काफिर ने पकड़ लिया और उमैया बिन खल्फ के बेटे सफवान बिन उमैया ने और फिर खरीद लिया मुल और कहने लगा कि मैं अपने बाप का बदला लेना है, मैंने अपने बाप का बदला लेना है क्योंकि उसका बाप उमैया वो मैदान बदर में कत्ल हो गया था, जहन्नम वासल हो गया था। मेरे बाप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुस्ताक था, दुश्मन था। अब वो पकड़े गए हजरत जैद बिन नसना रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो सफवान बिन उमैया ने खरीदा, कहते बदला दूंगा
फिर उसने अपने गुलाम के हाथ ये तरीन मस्जिद ऐशा ये हाजी साहब ये जाते हैं, अल्लाह सबको मदीने ले जाए, अल्लाह सबको मदीने ले जाए, अल्लाह सबको मदीने ले जाए। मदीने भी मिट्टी है, हर शहर की मिट्टी, तो वही खुशबू हाँ तो जिन हमें के मदीने अगर खाजे गुलाम फरीद गए ना मदीने, कभी झुकते हैं कभी उठते हैं, कभी झुकते हैं कभी उठते हैं। किसी ने पूछा खाजा क्या हुआ, कह रहे कि यार दिल करता है मदीने की पाक धरती को चूम, तो किसी ने कहा कि हजरत चूम लो, क्यों चूमते हो, क्या ड्रामे बाजी है, कभी झुकते हो कभी उठते हो। कहने लगे यार दिल तो करता है चूम लो, मगर जमीर कहता है फरीदा हया कर।